Hello champs, I hope you all are doing great. So on popular request, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का CUET का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. यहाँ मैं आपको थोड़ा पेपर एनालिसिस भी दूंगी सो दैट यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू फोकस ऑन व्हाइल प्रिपेयरिंग, और आपकी प्रिपरेशन हो अप टू द मार्क एंड यू स्कोर फुल मार्क्स इन योर CUET एग्जाम, बिकॉज इट्स वेरी मच पॉसिबल. Okay, let us look at the first question. Yes, but before that, यहाँ आपको मिलेंगे 60 minutes और आपको 50 questions में से 40 questions attempt करने हैं, जैसे accountancy में भी है, right? So 60 minutes आपको मिलेंगे और मुझे लगता है ये sufficient है, आप manage कर सकते हैं. We'll see how. First question. As a consumer increases the consumption of units of a commodity, then marginal utility goes on diminishing. So, आपके CUET इकोनॉमिक्स में थोड़ा पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था और अब आप थोड़ा भूल गए होंगे. सो यू हैव टू ब्रश इट अप. बेसिकली व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन, देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे कवर करना है. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो आप आई होप भूले नहीं होंगे, दैट एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी दैट यू गेट फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन diminishing. This is a psychological law, very simple to understand. Okay, next question. Demand for good Y falls. Good Y ki demand kam ho rahi hai jab good X ka price badh raha hai. To ye jo goods hai ye aapas mein kaise related hai? So jaise petrol ka price badh raha hai to car ki demand kam ho rahi hai. These goods are complementary goods which are demanded together. काफी सिंपल है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द गुड हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग. तो इनइलास्टिक डिमांड का मतलब हो गया कि अगर प्राइस बढ़ता भी है तो भी डिमांड ज्यादा कम नहीं होती. तो यहां पर देखेंगे एयर कंडीशनर्स, मोबाइल फोन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फर्नीचर. तो जो यूटिलिटीज है या नेसेसिटीज है उनका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है तो भी डिमांड ज्यादा कम नहीं होती. तो सही आंसर इसका हो गया वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ऑलराइट, उसके बाद इन अ टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंट्रीब्यूशन बाय विच ऑफ द सेक्टर इज इंक्लूडेड. मैक्रो में आप पढ़ते हो बहुत ही सिंपल है, टू सेक्टर इकोनॉमी में होते हैं हाउस होल्ड्स और फर्म्स, थ्री सेक्टर में होते हैं हाउस होल्ड्स, फर्म्स या प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट, फोर सेक्टर में होते हैं हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो टू सेक्टर में होते हैं फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स. डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही है सिंपल. नेक्स्ट, उसके बाद मैच द फॉलोइंग. जैसे हमने देखा था अकाउंटेंसी में भी और बिजनेस स्टडीज में भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन काफी थे. पेमेंट ऑफ फीस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय अ फर्म, ये है इंटरमीडिएट खर्चा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. रेंट रिसीव बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया. जैसे आपको पता है रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इवन दो इट इज लोकेटेड इन इंडिया बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये रशिया का पार्ट ही मानी जाएगी. सो आप ऐसे मान रहे हैं कि फैक्टर इनकम बाहर से आ रही है. रेंट वैसे भी एक फैक्टर इनकम है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक. तो अगर फर्म ने लोन लिया है बैंक से तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया होगा, तो उस पे जो इंटरेस्ट दे रही है फर्म बैंक को, दैट बिकम्स अ फैक्टर पेमेंट. इजी है. और फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव बाय द गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऑलराइट जी, तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं. ए इज मैच्ड टू टू, बी इज मैच्ड विद वन, सी इज मैच्ड विद फोर एंड डी इज मैच्ड विद थ्री. So this is the correct answer. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. Next question on the next page now. Okay, question क्या है? If the DGP of a country, DGP नहीं आई है, GDP है, question में error है, is rising, then poverty may or may not fall because the rise in GDP may be concentrated in the hands of few individuals or firms. The above situation shows which of the following limitations of GDP. आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, कि कई बार जीडीपी बढ़ता भी है तो भी सबका वेलफेयर नहीं होता. इसमें पॉइंट्स हम पढ़ते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और एक्सटर्नैलिटीज.
तो अगर हम कह रहे हैं कि वेल्थ जो है वो कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट अगर हो जाए तो सबका वेलफेयर नहीं होगा, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, वन ऑफ द लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ओके जी, देन आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटरमीडिएट गुड विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या जो एज रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं या जो रीसेल के लिए आप खरीदते हो, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। चॉक यूज बाय अ स्कूल ड्यूरिंग अ ईयर इंटरमीडिएट हो गया। वुड परचेज बाय अ सोफा मेकिंग कंपनी इंटरमीडिएट हो गया। टेलीविजन परचेज बाय अ न्यूज चैनल, ये तो फिक्स्ड एसेट है, उसका तो फाइनल गुड हो गया। पेपर परचेज बाय अ प्रिंटिंग प्रेस, ये भी इंटरमीडिएट हो गया। एनसीईआरटी बुक परचेज बाय यू इंटरमीडिएट नहीं है, आपने रीसेल के लिए नहीं खरीदी है, आप इसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज नहीं कर रहे, फाइनल गुड। तो इसमें से कौन से इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है? सी और ई इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक और फ्लो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डेप्रिसिएशन एक फ्लो है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जैसे पर एनम लगाते हो, और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट फॉर अ फ्यू मंथ, वन मंथ, टू मंथ, इसके लिए भी आप डेप्रिसिएशन निकालते हो। प्रोडक्शन ऑफ वीट इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन आप देखते हो पर मंथ, पर ईयर। इनकम इज ऑल्सो फ्लो, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। वो आपसे यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाता है मनी सप्लाई। सो द आंसर इज बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रियल जीडीपी इज 500, नॉमिनल जीडीपी इज 625, देन द प्राइस इंडेक्स विल बी व्हाट। और अगर बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 है, जो कि वैसे 100 ही होता है, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला गुड, इवन इफ यू डू नॉट तो भी आप कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इंटू 100 इज इक्वल टू रियल जीडीपी। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी हो गया 625, प्राइस इंडेक्स वी डू नॉट नो, दैट्स व्हाट वी वांट, और रियल जीडीपी हो गया 500। सो द आंसर बिकम्स 125 इज द प्राइस इंडेक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद, तो भी आप लॉजिक से कर सकते हो। जैसे रियल जीडीपी जो कि बेस ईयर से रिलेटेड होता है, उसको रिलेट करो 100 से, और नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होता है, उसका हमें प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो जैसे यूनिटरी मेथड लगाते हैं, रियल जीडीपी 500 है, नॉमिनल जीडीपी 625 है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए 100 अपॉन 500 इंटू 625, वेरी सिंपली यू कैन से 125। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते, कैलकुलेट जीडीपी एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको गिवन है यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। आई थिंक आप देख के कह सकते हो कि वैल्यू एडेड मेथड का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा सेल्स। नाउ डोमेस्टिक सेल्स वी आर गोइंग टू टेक एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट, चाहे सेल्स आपने इंटरनेशनल मार्केट में किया, दैट ऑल्सो वी टेक। सो डोमेस्टिक सेल्स हम ले लेंगे 1075 प्लस वी ऑल्सो टेक एक्सपोर्ट्स। बट द थिंग इज, यहाँ पे हम सेल्स टू गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, बच्चे इसको भी ले लेंगे, बट वी विल अज्यूम दैट दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक सेल्स, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स मतलब जो भी आपने कंट्री के विद इन सेल्स किए हैं, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। सो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। अगर वो आपको अलग अलग बताते, सेल्स टू दिस इज दिस मच, सेल्स टू दिस इज दिस मच, सेल्स टू दिस इज दिस मच, तो हम सबको ऐड करके टोटल सेल्स निकालते, बट यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स क्लियरली गिवन है, तो ये इसमें इंक्लूडेड होगा, इसको आप अलग से ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे 50, तो आपको आंसर आएगा 1150 करोड़। ठीक है, देख लीजिए। चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं। सो ये आंसर हो गया सी। ओके, नाउ वी आर ऑन टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ये है,
क्या पूछ रहे हैं, द डिडक्शन विच इज मेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू अकोमोडेट रेगुलर वियर एंड टीयर. इसमें से हम क्या माइनस करते हैं फॉर रेगुलर वियर एंड टीयर, उसको क्या बोलते हैं? सिंपली उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. और फिर आता है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट. डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं जैसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. उन्होंने आपसे पूछा है जो डिडक्शन आप करोगे उसे क्या कहते हैं. ओके, देन इफ एमपीसी इज 0.5 और इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 100 करोड़, देन टोटल इंक्रीज इन इनकम वुड बी. यहाँ पे आप मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं. वन फॉर्मूला इज दिस, 1/(1-MPC) एंड अनदर इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, 1-0.5 = 2, दे वॉन्ट अस टू फाइंड द इंक्रीज इन इनकम विच इज चेंज इन इनकम, और हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है. तो बस इसको इधर ले जाओ. सो दिस वुड बी वेरी सिंपली चेंज इन इनकम वुड बी 200 करोड़. चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक क्वेश्चंस काफी सिंपल है. ओके, हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ एपीएस इफ एपीसी इज 0.75. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द एंटायर पेपर. सो आपको पता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1. तो अगर एपीसी 0.75 है तो एपीएस इज ऑफ कोर्स 0.25. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. यस, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विषय. और आप देखेंगे इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको कोई डायग्राम या फिगर गिवन है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं जहां पे आपको कोई डायग्राम गिवन है एंड यू शुड बी नोइंग कि वहां पे कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हियर इन द गिवन डायग्राम ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है. ब्रेक इवन पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन और यू कैन से दैट सेविंग इज जीरो. तो इन दिस फिगर एक तो ये जो पॉइंट है बी, यहाँ पे वाई और सी कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सी और वाई इक्वल है. और ये पॉइंट ए, यहाँ पे सेविंग इज जीरो. तो ये दोनों ही ब्रेक इवन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तो क्या होगा. मतलब प्लान्ड आउटपुट इज लेस देन द प्लान्ड डिमांड, तो इसमें क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री कम रह जाएगी क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आपने उतना प्रोडक्शन नहीं की. तो डिक्रीज इन प्लान्ड इन्वेंट्री वुड बी 1. फिर नेक्स्ट पीरियड में आप अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने की कोशिश करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जिसके लिए फिर आप ज्यादा रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करोगे. फिर जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी. सो इंक्रीज इन इनकम. सो आंसर हो गया बी सी एंड डी. बी सी एंड डी. देखो कई बार ना ऑप्शंस देख के हमें कंफर्म होता है कि आंसर क्या होगा. अब अगर आप यहाँ पे ऐसे सोचो कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सो वी विल फेस द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड. आप बोलो डिक्रीज इन इनकम, बट वो सही नहीं होगा क्योंकि देखो सी तो पक्का है ना. सी के साथ फिर ई अगर हम सोचें तो उसके साथ फिर बी नहीं हो सकता. तो ये हमें नेक्स्ट पीरियड से सोचना पड़ेगा कि अगले पीरियड में फिर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और फिर हमारी इनकम भी बढ़ेगी. तो समटाइम्स इफ वी आर नॉट वेरी क्लियर तो हमें ऑप्शंस देख लेनी चाहिए और उसी से हम आइडिया लगाएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ 16th क्वेश्चन. यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है. सो दिस इज एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट और दिस इज एडी एक्चुअल. तो आप देख सकते हो अगर एडी एक्चुअल ज्यादा है तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, इसको ठीक करने के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन द फिगर अबव M1 द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, द गैप ऑफ PQ कैन बी करेक्टेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग फिस्कल मेजर. तो फिस्कल मेजर बताना है, मॉनिटरी मेजर नहीं. फिस्कल मेजर वो होता है जहां पे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बातें होती हैं, राइट. सो बैंक रेट तो इसका आंसर वैसे भी देखना भी नहीं है क्योंकि ये तो मॉनेटरी पॉलिसी है. लीगल रिजर्व रेशियो भी नहीं, या तो रिड्यूस टैक्सेस या तो रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग.
सो अगर एक्सेस डिमांड है और आपने टैक्सेस कम कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों से टैक्स भी कम ले रहे हो, उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, दे विल स्पेंड मोर और उससे तो डिमांड और बढ़ेगी। सो द करेक्ट आंसर इज रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि आप स्पेंड कम करो एज गवर्नमेंट तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा, विच इज वॉट वी वॉन्ट इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेविंग फंक्शन ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इज दिस, -20 प्लस 0.25 वाई, एंड द प्लान इन्वेस्टमेंट इज 200 करोड़। वॉट विल बी द एग्रीगेट डिमांड वेन नेशनल इनकम इज ₹400 करोड़। तो एग्रीगेट डिमांड बताना है, विच इज यू नो सी प्लस आई, जैसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी अज्यूम करते हैं यहाँ पे। सो अब मुझे आय तो पता है 200 करोड़, अब सी निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो आप पूरा एस फाइंड आउट कर लो और इनकम में से सेविंग को माइनस कर देना, या फिर आप कंजम्पशन फंक्शन यूज कर लो, दिस इज सी बार प्लस बी वाई, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज इक्वल टू दिस 20 बट विद अ पॉजिटिव साइन, एमपीसी इज 0.75 एंड वाई इज गिवन एज 400। तो ये हो गया 320 करोड़, 320 को इधर लिखेंगे, सो आंसर हो गया 520 करोड़, दिस इज योर ए डी। ठीक है बच्चे, सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट हियर। 18th क्वेश्चन नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, 18th क्वेश्चन हियर, प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा? देखो आपको पता है प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये जीरो कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे तब ये जीरो होगा। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा फिर से एक मैच द फॉलोइंग, मनी मनी को किससे मैच करें? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक, रेपो रेट। देखो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी, इसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है, मोनोपोली राइट होता है टू इश्यू करेंसी, एंड रेपो रेट इज वन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज दैट यू यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, राइट। सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट टिल हियर। आगे चलते हैं, व्हेन डज द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट कम्स टू एन एंड? तो वो जो आप पूरा प्रोसेस पढ़ते हो क्रेडिट क्रिएशन का, वहां पे कब जाके कमर्शियल बैंक्स को रुकना पड़ता है? जब उनकी टोटल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स दैट दे हैड। सो द आंसर वुड बी व्हेन टोटल रिजर्व्स एंड इनिशियल डिपॉजिट्स आर इक्वल। आप वो प्रोसेस पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ शर्ट कॉस्ट $20 इन द यूएस एंड 1000 रुपीज इन इंडिया, वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इफ रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट इज ₹70 per dollar? तो देखो इसे, अगर ये एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹70, तो ये जो शर्ट है ये यूएस में अगर मैं देखूं तो रुपीज में 70 × 20 1400 की है, और वही शर्ट इंडिया में 1000 की है। तो एज एन एक्सपोर्टर वुड यू लाइक टू एक्सपोर्ट टू यूएस? यस, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। हाँ ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल भी होगी, बट फिर भी देर इज अ बेनिफिट, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज। नाउ ट्रेड एंड सर्विसेज वुड इंक्लूड, ट्रेड एंड सर्विसेज दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसमें क्या आएगा? रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम शिपिंग, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट फैक्टर इनकम, या बैलेंस ऑफ ट्रेड? डेफिनेटली नॉट बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये तो गुड्स से रिलेटेड होता है। तो ट्रेड एंड सर्विसेज, सर्विसेज में एक तो आ जाती है फैक्टर सर्विसेज और एक आ जाती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज में हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। तो यहाँ पे शिपिंग ये तो पक्का आंसर में होगा, दिस वन। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज, अब हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं बदले में हमें फैक्टर इनकम्स मिलती हैं, जैसे रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वेजेस मिलती हैं, राइट। देन इन्हें हम कंबाइन करके बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम, और इसे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये दोनों भी सर्विसेज का पार्ट है। तो
यहाँ पे आ गई नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और फैक्टर इनकम. यस, फैक्टर इनकम इन जनरल. सो हियर द ऑप्शन इज बी सी एंड डी. बी सी एंड डी. अब अगर आप बोलो रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ये सर्विसेज का पार्ट नहीं होते. हाँ, इनविजिबल्स का पार्ट हम कह सकते हैं, बट नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विसेज. ओके जी, आगे चलते हैं. 23rd क्वेश्चन नाउ. 23rd क्वेश्चन. अ राइज इन एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज टू डॉलर्स इंप्लाइज व्हाट? तो देखो जी, राइज इन एक्सचेंज रेट हो गया समथिंग लाइक दिस. दिस इज राइज इन एक्सचेंज रेट. इससे क्या क्या हो सकता है? ऑफकोर्स इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, इम्पोर्ट्स इससे कम होंगे. इससे आप कह सकते हो डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, क्योंकि यहाँ पे रूपी वीक हो रहा है. एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपीज, और देख लो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी. इमेजिन आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो नाउ इन दिस सिनेरियो यू वुड वांट टू सप्लाई देम. सो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग टू राइज. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए डी एंड ई. चलिए आगे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये सीबीएसई में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज बाय ब्रिटिशर्स 1850. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921. ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल 1869. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो बी डी ए सी. बी डी ए सी, राइट बच्चे? सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट 25th क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ. 25th क्वेश्चन हियर. ओके, यहाँ पे आपको मैच करना है लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान. हमारी कंट्री में पहला 5-year प्लान आया था 1951 में. उसने कवर किया था पीरियड फ्रॉम 1951 टू 1956. प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी 1950 में विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक 1956 में आया था. वैसे जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो 1948 में आया था. और करवे कमेटी सेटअप हुई थी 1955 में, जिसने पहचाना था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू रूरल डेवलपमेंट, राइट? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम देख सकते हैं ए इज मैच्ड विद 4, बी विद 1, C with 3 and D with 2. So this is the correct answer. आगे चलते हैं. Which of the following is true about the cotton textile mills during the second half of the 19th century? Clearly given है आपकी NCERT में that cotton textile mills which were located in the western parts of the country, especially Gujarat and Maharashtra, mainly dominated by Indians. और जूट की जो मिल्स थी वो ज्यादा बंगाल में लोकेटेड थी एंड मेनली डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट सिंपल. दिस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्सॉर्ब डिग्रेडेशन, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी. बिल्कुल सिंपली आपको ये डेफिनेशन गिवन है. ओके, इसके बाद आयुष इज द एक्रोनिम ऑफ द. ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड है, वहां जहां हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले नहीं पढ़ा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी भी इसमें आ जाता है. इसे हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. ओके, इसके बाद कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच गिव्स डायरेक्ट सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं. एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है एनर्जी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग, राइट? और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग. तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोडक्शन में और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली. तो यहाँ पूछ रहे डायरेक्ट सपोर्ट कौन देता है, तो आई थिंक यू कैन टेल कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर भी मैं आपको करवाऊं, तो प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट्स हियर.
ओके वजह यहां पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फॉर दिस क्वेश्चन. आई वॉन्ट टू शो यू योर बुक. विच ऑफ द एग्जाम्पल्स बिलो आर रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन हेल्थ केयर. आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में वजह ये एक बॉक्स में गिवन है, जिससे हमें पता लगता है कि बॉक्सेस भी पढ़ के जाने पड़ेंगे. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट सेवा which is in Ahmedabad, Accord in Nilgiris. Then we also have Shaheed Hospital and Kshatkari Sangathan also. So, ye charo hi community or non-profit organizations hai when it comes to healthcare. Accord, Seva, Shaheed Hospital or Kshatkari Sangathan. Isme jo community health centers hai, wo iska part nahi hai. But waise community health centers kya hote hai? Jaise ek small town mein, या विलेज में जो एक छोटा सा हेल्थ सेंटर होता है जिसमें एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है एंड सम स्टॉक ऑफ मेडिसिन. बट इसका सही आंसर है ए बी डी ई. राइट, ए बी डी ई. आगे चलते हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है? तो लेट मी टेल यू, ये पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने में यूज होता है. जैसे आपने पॉवर्टी चैप्टर भी नहीं पढ़ा, इसमें हम पढ़ते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू 2011-12 डेटा, अ पर्सन स्पेंडिंग रुपीज 816 पर मंथ इन रूरल एरियाज, अगर वो इससे कम कर रहा है तो वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा, एंड रुपीज 1000 पर पर्सन पर मंथ इन अर्बन एरियाज. तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज यूज टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन. क्रॉनिक पुअर, chronic poor, casual laborer is an example. Jail cost of living is the concept of poverty line used by Dada Bhai Naroji. And head count ratio is the proportion of people living below poverty line. अब जब आप ये poverty chapter करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, next question, question number 32. Transient poor are people categorically identified as. Now, transient poor में दो तरह के poor आते हैं. एक तो churning poor, who are regularly moving in and out of poverty line, if this is the poverty line. तो ये churning poor बोलते हैं इन्हें हम. और occasionally poor, who are usually not poor, but then may have a patch of bad luck. तो ये हो जाते हैं. ओके, सो ट्रांजिएंट पुअर ही ये दोनों पार्ट्स हैं, चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर. और जो क्रॉनिक पुअर होता है उसमें आता है ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर. ये आप जब पढ़ेंगे तभी पता लगेगा. देन SAGY, सांसद आदर्श ग्राम योजना. सांसद होता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आदर्श इज आइडियल, ग्राम इज विलेज और योजना इज स्कीम. तो ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था. इसमें क्या था, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक विलेज उठाना है और उसे एक मॉडल विलेज बनाना है. पर वो जो विलेज है वो एमपी का खुद का विलेज नहीं होना चाहिए, ना ही उसके स्पाउस का विलेज होना चाहिए. और उस विलेज की पॉपुलेशन 3000 से 5000 होनी चाहिए अगर वो प्लेन्स में लोकेटेड है, और अगर वो हिल्स में लोकेटेड है तो 1000 से 3000. तो ये भी आपका बॉक्स में गिवन है इन योर चैप्टर कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट. आप इसे पढ़ के गए होंगे. तो एक तो ये हो गया, इंडियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नीड टू अडॉप्ट अ विलेज इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड द स्कीम इज मेंट फॉर विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3000 टू 5000 इन द प्लेन्स. सो करेक्ट आंसर हो जाता है बी और डी, बी और डी. चलिए, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर. इफ देयर आर 600 मिलियन वर्कर्स इन इंडिया एंड ओनली 120 मिलियन वर्कर्स आर ऑक्यूपाइड इन द फॉर्मल सेक्टर, तो आपको बताना है कितने परसेंटेज ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर. बहुत ही सिंपल है, अगर 600 में से 120 फॉर्मल में है, 120 मिलियन, तो 480 इनफॉर्मल में हो गए. सो 480 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 600? द आंसर इज वेरी सिंपल, 80%. 80% इज द करेक्ट आंसर. ठीक है वैसे, आगे चल रहे हैं. नाउ द 35th क्वेश्चन. द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर इज कलेक्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग. ये भी आपका बॉक्स में गिवन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. आई वॉन्ट टू शो यू इन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर.
हियर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर. और फॉर्मल सेक्टर में जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो है गवर्नमेंट. तो छोटी छोटी बातें मुझे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो आपको पढ़ के जानी है. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड कौन कौन होते हैं? पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट नॉट गेटिंग वर्क. सो अवेलेबल फॉर वर्क, येस. विलिंग टू वर्क, येस. एक्सेप्टिंग द प्रिवेलिंग वेज रेट, येस. अनएबल टू गेट वर्क, येस. डज नॉट वॉन्ट टू वर्क, ऐसा तो नहीं है. सो सही आंसर हो गया ए बी सी और ई. A, B, C, E, right? This one. Okay, ji, then. Aage chalte hain. Question number 37 now. Here, investment in human capital formation brings in qualitative improvement in human resource, quantitative improvement, negligible improvement, ya no improvement. So, of course, qualitative improvement. Hamari क्वालिटी बढ़ जाती है, मतलब स्किल्स बढ़ती हैं, एजुकेशन बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है. सो इससे क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की. आई थिंक दिस इज इजी टू से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. सो जेंडर इनइक्वालिटी यानी सेक्स रेशो तीनों ही कंट्रीज में एक्चुअली बायस्ड है. मेल प्रेफरेंस का इससे पता लगता है. सो दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द एडवर्स सेक्स रेशियो इन ऑल द थ्री कंट्री. सेक्स रेशियो आपको पता है, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ऑलराइट जी, उसके बाद है अगला क्वेश्चन जिसमें हमें डेट्स यूज करनी है. ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया था? 1965. फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ चाइना 1953, इंडिया के बाद. रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ये काफी पहले हो गए थे इंडिया से अगर कंपेयर करें तो, 1978. और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना था? 1949 में. सो इसे हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. सो डी, पहले कंट्री आजाद हुआ, फिर फाइव ईयर प्लान बना, फिर ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया और फिर रिफॉर्म्स आए. सो डी, बी, A, C. So this is the correct answer. Okay, ji, then next question. China is ahead of India and Pakistan on many human development indicators due to the strategies that it adopted in the. Now this is an interesting question. Pre-reform period, reform period, post-reform period, ya post-COVID-19 period. So, जैसे हमें पता है कि चाइना में रिफॉर्म्स आए 1978 में और उसके बाद ही चाइना के एक अच्छा समय शुरू होने लगा. बट जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात है ना, ये तो प्री रिफॉर्म पीरियड से ही उसकी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज तो प्री रिफॉर्म पीरियड से ही स्प्रेड आउट हो चुकी थी चाइना में. सो ये वाली जो लाइन है, दिस स्टेटमेंट यू कैन फाइंड, और देखो कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन बना सकते हैं. इन द रीकैप ऑफ द चैप्टर हियर, चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मेनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. हाउएवर दीज इम्प्रूवमेंट्स वर एट्रीब्यूटेड नॉट टू द रिफॉर्म प्रोसेस बट द स्ट्रैटेजीज दैट चाइना अडॉप्टेड इन द प्री रिफॉर्म पीरियड. राइट, सो आंसर हो जाता है इसका प्री रिफॉर्म पीरियड. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें लग सकता है रिफॉर्म पीरियड, क्योंकि वी नो दैट उसी के बाद चाइना का अच्छा समय शुरू हुआ, लाइक आई सेड. ओके, देन 41 से 50 क्वेश्चंस तक आपके 5 क्वेश्चंस एक के स्टडी पे बेस्ड है और 5 क्वेश्चंस दूसरी के स्टडी पे. बट इन क्वेश्चंस में से जैसे एक के स्टडी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है, तो ये नहीं कि आपको सारे करने हैं, क्योंकि उन्होंने केस स्टडी को भी इसीलिए बार बार लिखा है दैट इफ यू वांट टू लीव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट यू मे लीव इट. ठीक है, ओके विशेष. सो ये केस स्टडी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इसका लेवल थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड एक केस स्टडी बन रही है. बट अगर आप इसको एक सिंपल कॉम्प्रिहेंशन की तरह भी पढ़ोगे ना, तो भी आप आंसर्स दे सकते हो. इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट्स रिटन इन, बट इफ यू रीड इट लाइक अ कॉम्प्रिहेंशन, तो भी आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, एक बार देखते हैं.
And FCNR account, which is a foreign currency non-resident account, is a term deposit account that can be maintained by NRIs and PIOs in foreign currency. So non-resident Indians or jo person of Indian origin hai, wo ye account khol sakte hain Indian banks mein. This account can be a good option for non-resident Indians looking to invest in India without worrying about the currency risks. The funds in an FCNR account must necessarily come from your overseas funds. Balances in FCNR can be freely repatriated outside India. You can also use the balance in an FCNR account for making local payments in India. Theek. Banks raise FCNR funds in various currencies. Hamare jo banks hai, matlab jo India mein banks hai, wo koshish karte hai ki zyada se zyada FCNR accounts khule taki hamare paas foreign currency aaye. Aur phir hum us foreign currency ko sell karke Indian rupees mein convert kar le aur phir wo Indian rupees domestic lending ke liye use kare. फिर एक साल के बाद दो साल के बाद जब भी मतलब उस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड आएगा क्योंकि इट्स अ टर्म डिपॉजिट तो हम डॉलर्स खरीद के फिर उसको दे देंगे. दिस इज द होल सिचुएशन. सो बैंक्स रेज एफसीएनआर फंड्स इन वेरियस फॉरेन करेंसीज देन दे सेल द फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज फॉर इंडियन रुपीज एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट एंड यूज द इंडियन रुपीज फॉर डोमेस्टिक लेंडिंग. When the FCNR deposit becomes due for maturity, now the banks would need foreign currency to pay to the depositor. Maan lijiye, jo wo depositor tha, jo foreign country se aaya hai, usne let's say $1,000 bank ke andar rakhe FCNR account mein. Aur abhi jo rate chal raha tha, let's say wo ye chal raha tha. To jab bank ye $1,000 le lega aur usko phir bech dega, उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करवाएगा तो बैंक को कितने रुपीस मिलेंगे. तो बैंक को यहाँ पे मिल जाएंगे 50,000 रुपीस. फिर वो ये 50,000 रुपीस का किसी को आगे लोन दे देंगे. अब मान लीजिए इस अकाउंट की मैच्योरिटी डेट है दो साल के बाद. सो आफ्टर टू इयर्स अब बैंक को इस पर्सन को 1,000 रुपीस देने पड़ेंगे और मे बी इवन मोर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. बट अगर चलो 1,000 रुपीज ही मानो और उस समय आफ्टर टू इयर्स अगर रेट हो जाए इतना तो बैंक को यहाँ पे चिंता हो सकती है. तो बैंक को अपनी रिस्क कटिंग करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं हेजिंग. आगे देखते हैं. वेटिंग अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी टू परचेज फॉरेन करेंसी वुड लीव द बैंक ओपन टू एक्सचेंज रेट रिस्क. अब दो साल के लिए उसको डर लग रहा है पता नहीं दो साल के बाद क्या रेट होगा क्या रेट होगा. तो इस सिचुएशन से बचने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस रिस्क बैंक्स हेज देयर एफसीएनआर कमिटमेंट्स बाय एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब वो रिस्क कटिंग करते हैं बाय एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंपली क्या होता है कि आज ही हम कमिटमेंट कर लेते हैं लेट्स से आरबीआई के साथ कि दो साल के बाद आप मुझे इतने डॉलर्स इतने रेट पे दोगे चाहे मार्केट में कोई भी रेट चल रहा हो. तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है. टू एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल, इफ एफसीएनआर डिपॉजिट वाज ओपन टुडे फॉर अ टर्म वन ईयर द बैंक वुड एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय फॉरेन करेंसी आफ्टर अ ईयर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. आज ही वो रेट लॉक हो जाता है. फ्यूचर में जो भी मार्केट में रेट होगा उससे फर्क नहीं पड़ता. The swap deal was introduced as a means to encourage banks to attract more US dollars into India. The RBI has promised banks a forward rate premium of 3.5% per annum for all fresh 3-year FCNR deposits raised between now and November 30th. So instead of hedging at the rate of 7% per annum, banks are getting this swap deal at 3.5% per annum. This acts as an incentive for banks to raise fresh FCNR funds as it lowers the cost of hedging. Now, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. सिर्फ इतना समझो कि अगर हम आरबीआई के साथ ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू नहीं करेंगे तो हमें 7% की कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी हेजिंग के लिए और अगर हम ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे तो हमें सिर्फ 3.5% की कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी हेजिंग के लिए विच इज टू कट द रिस्क. सो आगे चलते देखते क्वेश्चन क्या है.
एक्चुअली सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए और फिर हमें केस पढ़ना चाहिए. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. इंटरेस्ट अर्न ऑन एफ सी एन आर अकाउंट इज टैक्सेबल. ये गलत है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दिस इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री इन इंडिया. बैलेंस इन एफ सी एन आर अकाउंट के नॉट बी यूज टू मेक लोकल पेमेंट्स. नहीं, ऊपर लिखा था इट कैन बी यूज टू मेक लोकल पेमेंट्स. An FCNR account is a term deposit that can be maintained by NRIs and PIOs in foreign currency. ये हमारी first statement थी case study की. Depositor is liable for currency risk. नहीं, he is not liable for currency risk. तो इसका सही answer हो जाता है बच्चे 3, option number C. चलो आगे देखते हैं. इसी case से related next question है, an FCNR account is beneficial or attractive for an NRI if. So NRI के लिए ये option attractive कब होगी? Value of rupee remains stable. Interest rate offered is higher than the interest rate in his or her country of residence. I think you can say this. उसे ये FCNR account India में खुलवाना तब अच्छा लगेगा अगर उसको interest rate यहाँ पे ज़्यादा मिलता है compared to his own country. Okay. Okay, then next question. FCNR swap deal introduced by RBI, जिससे आपका cost कम पड़ रही थी, encouraged banks to attract US dollars into India by way of making cost of hedging lower. अगर ये swap deal ना होती तो हमें 7% की cost पड़ रही थी, अब हमें 3.5% की पड़ेगी. So this is the answer. Then RBI introduced the FCNR swap deal in order to. क्यों इंट्रोड्यूस की थी? ऊपर लिखा हुआ था ताकि हमारे पास ज्यादा फॉरेन करेंसी आए, फिर हम उसको बेच के रुपीस में कन्वर्ट करवा लें. सो टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर. ठीक है वैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ हेजिंग एक्सचेंज रेट इन इंडिया वुड बी हाई इफ. आपको ज्यादा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी अगर, क्या होगा? रूपी इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट. यस, जैसे मैंने बोला अगर पहले रेट ये था और फिर मैच्योरिटी के समय आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स रेट ये हो जाए, मतलब अगर रूपी डेप्रिशिएट होने का हमें डर ज्यादा हो तो हमें कॉस्ट ज्यादा इंकर करनी पड़ेगी. अगर मुझे ऐसा डर लग रहा है कि रूपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, सो आई हैव टू कट द रिस्क क्योंकि मुझे लग रहा है कि रूपी डेप्रिशिएट हो सकता है. राइट, इस केस में कॉस्ट ऑफ हेजिंग बढ़ जाएगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले 5 क्वेश्चंस इस केस स्टडी पे बेस्ड है. चलो पढ़ते हैं ये केस स्टडी. द टॉरेंट ऑफ मैन मेड केमिकल एंड प्लास्टिक वेस्ट वर्ल्ड वाइड हैज मैसिवली एक्सीडेड लिमिट्स सेफ फॉर ह्यूमैनिटी और द प्लैनेट एंड प्रोडक्शन कैप्स आर अर्जेंटली नीडेड, साइंटिस्ट्स हैव कंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा पूछ क्या रहे हैं, Which of the following functions of environment are affected in the given statement? Chemicals in plastic caps are putting additional stress on already stressed ecosystem. Some chemicals are interfering with hormone systems, disrupting growth, metabolism, and reproduction in wildlife. तो जो हमारे अंदर chemicals और plastic चला जाता है, उससे इतनी सारी problems हो रही हैं. तो ये environment वाले chapter से related है. तो हमें बताना है कि इससे एनवायरनमेंट को अपना कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है. इट एसिमिलेट्स वेस्ट, इट सप्लाइज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. तो देखो ये इतना ज्यादा वेस्ट है प्लास्टिक का और केमिकल्स का कि एनवायरनमेंट से भी संभाला नहीं जा रहा है, और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी भी खत्म कर रहा है, लाइफ भी सस्टेन नहीं हो पा रही. जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है वाइल्ड लाइफ में, लाइफ ही सस्टेन नहीं हो पा रही. सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी. ए और सी. वैसे हम एक बार पूरी केस स्टडी भी पढ़ेंगे यहां से. देर आर एन एस्टिमेटेड 350,000 डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स ऑन द मार्केट एंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ देम एंड अप इन द एनवायरमेंट. The impacts that we are starting to see today are large enough to the impacting crucial functions of planet, Earth and its system. Bethany Carney Elmroth
co-author of a new study told AFP in an interview. The study by the Stockholm Resilience Center comes ahead of a UN meeting in Nairobi at the end of the month tackling plastic pollution from source to sea. UN Environment Programme head Inger Andersson, yes, she's the current head also, said on Monday, chemicals and plastics are affecting biodiversity, piling additional stress on already stressed ecosystem. Pesticides kill living organisms indiscriminately, and plastics are ingested by living things. And these are also interfering with our hormone system. Next question. Which of the following is an incorrect strategy of sustainable development? Aapko strategies pata hai. It's given in your book. So isme se, this is not the correct strategy. Use of conventional sources of energy. Conventional nahi. Hame non-conventional sources use karne hai, jaise wind power, solar energy. Theek hai? Next question. If an economy is functioning within its carrying capacity, then which of the following is correct? Simple hai. Resource extraction is beyond rate of regeneration nahi. Cheeze carrying capacity ke within hai. Waste generated is within the assimilating capacity, yes. Waste generated is beyond the absorptive capacity, no. Environment is not able to absorb degradation, nahi. Cheeze abhi agar theek hai within the carrying capacity, so waste generated is within the assimilating capacity. Okay, next question, match karna hai hume yahan pe. Drastic solution kya hoga? Production caps. Ekdam se hume ye step lena pad sakta hai ki production ko limit kar de. So drastic solution would be production caps. Tackling plastic pollution. Yahan pe maine mark kiya tha plastic pollution from source to sea. Use of man-made chemicals in plastic waste. Ye aapki first line mein hi tha. Massively exceeded limits safe for humanity. This one. And pesticides have adverse impact on the living organisms. Theek hai, to ye aapki correct option ho jayegi mujhe. A with 4, B with 1, C with 2, and D with 3. Theek hai? Chaliye, iske baad, this is the last question. Identify the incorrect statement from the following. Incorrect batana hai. Chemicals are interfering with the hormone system. Yes. Large volumes of chemical waste end up in the environment. Yes. Chemicals and plastics are not affecting biodiversity. Wrong. They are affecting biodiversity. Production caps are solutions to save environment. Now, they are a drastic solution. So, dekhte hain option mein kya fit hota hai. C to pakka hai. D ho bhi sakta hai, nahi bhi, depends on the option. So, D koi option mein nahi hai, to answer hoga C only, option number B. Right, fam? So, I hope this video helped you. Aapne isse kuch seekha. Aapko pata laga ki aapko tayari kaise karni hai. One thing, Indian economic development mein achche se aapko lines pata honi chahiye, important lines and boxes ke andar se bhi pooch rahe hain. Macro mein jo diagrams hai, unko achche se dekh ke jana hai, usme pooch sakte ki kya cheez kya represent kar rahi hai. Agar case based questions aate hain, to aapko ghabrana nahi hai, bas usko comprehension ki tarah treat karna hai. और एक केस से रिलेटेड जैसे 5 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से आपको जरूरी नहीं है कि सारे ही अटेम्प्ट करने हैं. सो ये कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें अपनी प्रिपरेशन में सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर CUET एग्जाम. राइट, सो और भी जो वीडियोस आपको चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू ब्रिंग दोज वीडियोस फॉर यू. सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में.